विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो छोटा सा, एक बेलपत्र। बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का यह वरदान, जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है, दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से दो पत्तियां निकली हुई है, देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और दो पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी, दो पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना, एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना, अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना, दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना, जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना, मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि आपने गुरु जी से सुना एकांतेश्वर महादेव का यह उपाय, अगर हमारा कोई काम अटक गया है और नहीं हो रहा है तो हम ये उपाय कर सकते हैं। अगर हम ये उपाय पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं तो भगवान शिव हमारा ये कार्य अवश्य पूर्ण करते हैं। इस उपाय के लिए हमें किसी ऐसे मंदिर में जाना है जो बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। वैसे तो ऐसा मंदिर मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें ऐसा मंदिर ना मिले तो हम ये उपाय किसी एकांत जगह में कर सकते हैं। घर के बाहर कहीं भी किसी एकांत जगह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम ये उपाय कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें किसी पेड़ के नीचे करना है। वह पेड़ कोई भी हो सकता है, बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, या कोई और भी पेड़ हो, पर वह पेड़ एकांत में होना चाहिए। इस उपाय के लिए हमें एक बेलपत्री का पत्ता, एक शमी का पत्ता,
एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प और एक दुर्वा की जरूरत पड़ती है। यह सभी चीजें हमें एक एक ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं। पूजा शुरू करते समय हमें सबसे पहले दुर्वा भगवान शंकर को समर्पित करना है, उसके बाद सफेद पुष्प, उसके बाद शमी का पत्ता, फिर उसके बाद चावल और उसके बाद सबसे लास्ट में बेलपत्री का पत्ता हमें भगवान शिव को समर्पित करना है। साथ में एक घी का दीपक लगाना है। जब तक घी का दीपक ठंडा ना हो जाए तब तक हमें वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने वो कार्य के बारे में भगवान शिव को बताना है। जब दीप ठंडा हो जाए तो हमने जितनी भी पूजा में सामग्री यूज की है उस सब को हमें विसर्जित करना है। मात्र एक बेलपत्री के पत्ते को हमें घर पे लेके आना है। इसके अलावा सभी को समेत शिवलिंग हमें विसर्जित करना है। यह उपाय करने से अवश्य ही हमारा रुका हुआ काम हो जाएगा। मैं हमेशा आप सबके लिए गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय लेकर आता हूँ और उन्हें पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।